हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है 7 सितंबर। तो आज ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, आज गुन्नू का बर्थडे भी है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहना और आप लोग ढेर सारा विशेष देना गुन्नू को। तो चलिए देखते हैं आज के दिन मैंने क्या क्या किया और कैसी कैसी तैयारियाँ की। तो लेट्स गो। तो अभी मैं आ गई हूँ गुन्नू के लिए गिफ्ट लेने। और ये खारघर का मैट्रिक शॉप स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हर ब्रांड के बैट मिलते हैं। तो मुझे उसको इस बार बैट देना था, उसको पसंद थी कि मैं इस बार बैट लूँ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, वही बैट ले रहे हैं और मैंने उसको उसकी पसंद का बैट दिलवाया। और क्या दिलवाया मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी के साथ में क्या दिलवाया। और ये शॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये 21 में है खारघर के। अगर आपको स्पोर्ट्स लेना हो, अगर आप खारघर से हैं तो यहाँ आप जाके ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ से गिफ्ट लेने के बाद मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि सारे काम तो लगभग हो गए, क्योंकि केक वगैरह ऑर्डर करना था वो मैंने कर दिया है। अब चलते हैं घर और वहाँ मैं चल के रेडी होने जा रही हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी होने को स्टार्ट हो गई हूँ। और मैंने क्या पहनना है, कैसा मेकअप किया है, मैं आपको रेडी होने के बाद दिखाती हूँ और आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या डेकोरेशन हुआ है और क्या हो रहा है। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना और बताना कि मेरा ये गाउन और मैं कैसे रेडी हुई हूँ, आप लोग को कैसा लगा मेरा ये लुक, तो ज़रूर से बताना। तो फिर कंटिन्यू करो मेरे ब्लॉग पे। और ये गुन्नू रेडी होके, और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वेज प्लैनेट, जहाँ ये डेकोरेशन मैंने करवाया है। तो ये रहा ये डेकोरेशन। और यहाँ हम सारे फ्रेंड्स और बच्चे मस्ती करते हुए, तो देख लो अभी कुछ लोग आए थे, अभी और लोगों का आना बाकी था। तो अब चलिए मैं आपको केक की तरफ दिखाती हूँ केक कैसा था। तो ये रहा केक, और बिल्कुल क्रिकेट मॉडल में मैंने केक बनवाया था, क्योंकि आप लोग को पता ही है गुन्नू को क्रिकेट कितना पसंद है। तो ये केक मैंने क्रिकेट शेप में और क्रिकेट का पिच, बैट, बॉल, विकेट सब डाल दिया था कि उसको अच्छा लगे, और रियली उसे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा बताना। और यहाँ बच्चों की देखो मस्ती हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खुद से ही कैप पहन रहे हैं। और अब केक कटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ भी कहो, आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव है और सच्ची मम्मा पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सब मस्ती करते हुए, और यहाँ पे हम आ गए हैं अब केक कटिंग की तरफ, तो आप लोग भी ब्लॉग पे रहो।
बोलो ही बोलो हाँ हाँ बोलो ना हाँ। और यहाँ सभी बच्चे की मस्ती हो रही है, मेरे हस्बैंड बोल रहे सबको हंसने के लिए ही हाँ हाँ। तो हमने बहुत मस्ती किया और सबसे अच्छा मुझे लगा कि बच्चों ने भी, खास करके सभी छोटे बड़े सभी बच्चों ने बहुत मस्ती किया। और ये जो मैंने किया है ये वेज प्लैनेट खारगर रेस्टोरेंट से किया है। और अब आपको दिखाती हूँ आर्यव का स्पेशल परफॉर्मेंस। ये बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था, मैंने बस थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है। मैं साउंड नहीं लगा पाऊंगी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, तो आप भी एंजॉय करो इसका डांस। देखिए तो आप क्या हुआ अब आपको मैं दिखाती हूँ मेन्यू और हॉल का एक व्यू, तो आप देखना आप लोग को कैसा लगा मेरा ये प्रिपरेशन बर्थडे से रिलेटेड सेलिब्रेशन, तो ज़रूर से बताना। मैं आपको पूरे हॉल का एक व्यू दिखाती हूँ। और अब फ्रेंड्स चलो स्टार्टर की तरफ। तो यहाँ पे है पनीर टिक्का और स्प्रिंग रोल, ये स्टार्टर था और मोहितो ड्रिंक्स में था। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या था, तो आप भी देखो। और इसके साथ ही मैं बर्थडे से रिलेटेड कुछ पिक शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।